बदलते युग और भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को तरह तरह की होने वाली बीमारियों में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इन जड़ी बूटियों से आप कई गंभीर रोगों को दूर किया जा सकता है। हम आपको ऐसी ही एक औषधि के बारे में बताने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से आप शरीर में होने वाले कई रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं तुलसी के पौधे की, जो हमारे धर्म ग्रंथ में भी बड़ा ही पौराणिक महत्व है, और इसकी पत्तियां व तना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक गुण मौजूद होते हैं जिससे ये हमें कई बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। इन बीमारियों में है कारगर। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी का पौधा हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये हमें अस्थमा, खांसी, एलर्जी, पायरिया, पेशाब में जलन, पथरी, पेट में दर्द जैसी कई गंभीर बीमारियों से निजात दिलाता है। वहीं जिला अस्पताल बाराबंकी के चिकित्सक डॉक्टर अमित वर्मा एमडी मेडिसिन ने बताया, वैसे तो तुलसी के पौधे में बहुत सारे औषधीय गुण मौजूद होते हैं। सबसे ज़्यादा इसकी पत्तियां व तना गुणों से भरपूर होता है। इसकी पत्तियों के साथ काली मिर्च, लौंग का काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा, खांसी या एलर्जी हो जाती हैं उसमें ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को पाचन संबंधित बीमारी होती है उन्हें इसकी पत्तियों के रस का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं जिन लोगों के मुंह में दुर्गंध आती है या डायरिया की समस्या है वहां पर इसकी पत्तियों का रस निकालकर मुंह में कुल्ला करने से पायरिया व दुर्गंध आना ठीक हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को डायरिया की वजह से पेट में पेन होता है तो इसकी पत्तियों का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों को पेशाब में जलन होती है उसमें ये शीतलता प्रदान करता है। वहीं किसी को पथरी की समस्या है तो वहाँ पर इसके रस का पानी में मिला करके पीने से पेशाब और पथरी में आराम मिलता है। वहीं जिन महिलाओं में डिलीवरी होने के बाद दर्द होता है उस अवस्था में इसकी पत्तियों का अर्क सुबह शाम पानी के साथ लेने से काफ़ी हद तक दर्द ठीक हो जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक कार्यरत हूँ। जहाँ तक अपने तुलसी के बारे में जानकारी की बात कही तो तुलसी जो होता है दो तीन तरह की वैरायटी होती हैं। अपने यहाँ जो बेसिकली ज़्यादा यूज होती हैं वही ग्रामर उसे बोलते हैं, जो अपनी कॉमन बोलचाल भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो तुलसी में बहुत तरह के औषधि गुण होते हैं। इसके पत्ती पत्तियों में और इसके तने का बहुत ज़्यादा औषधि गुण में इस्तेमाल किया जाता है। पत्तियों का रस जो होता है तो काली मिर्च के साथ में और हल्का सा लौंग के साथ में काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा जिन जिसको जमा कर रोग हो जाता है या खांसी हो जाती है, बहुत पुरानी खांसी हो जाती है, एलर्जी ब्रोंकाइटिस होती है, उसमें बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छा रोग होता है। साथ ही साथ जिन लोगों को पाचन से संबंधित तकलीफ होती, खाना पचने की परेशानी होती है वहाँ पर इसका पत्तियों का रस का इस्तेमाल किया जाता है। जिस लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, मुंह से पायरिया की समस्या होती है, सांस में एक तरह की स्मेल आती है, ऑडर आती है, तो वहाँ पे उसकी पत्तियों का रस का इस्तेमाल किया, पत्तियों का रस निकाल के मुँह में थोड़ी देर के लिए धारा कर ली, 5 मिनट के लिए गिरा दिया, कुल्ला बनना होता है, इससे काफ़ी हद तक दुर्गंध की समस्या खत्म होती है। साथ ही साथ जो जिन लोगों में डायरिया के बाद बहुत पेन होता है, पेट में क्रैम्प्स होते हैं, डोमिनेंट कैम्प्स होते हैं, उसमें लेने से पेट की जो मरण होती है ये काफ़ी तक खत्म हो जाती है। साथ ही साथ जिन लोगों में पेशाब की जलन की समस्या होती है वहाँ पे एक ये अल्कलाइजर का काम करता है, एक शीतलता प्रदान करता है। और साथ ही साथ जिनको पत्थरी की समस्या होती है, गुर्दे की पत्थरी हो जाती है, वहाँ पर इसको इसी पत्थरियों का संधान करके पानी में घोल करके पिया जाता है, जिससे इस तरह की तकलीफों में पथरी में और पेशाब की जल्दी में आराम मिल जाता है। साथ ही साथ कुछ लोगों में जो डिलीवरी होती है माता बहनों को जिनको उसके बाद जो दर्द रहता है पेट की, ऐठन सी बाव सी होती है प्रसव के बाद में, तो वहाँ पर इसके अर्क इसका लेना चाहिए, तो इसकी पत्तियों का अर्क लेने से पानी में मिला के सुबह शाम दोनों टाइम लेने से तो क्रैम्प जो होते हैं जो ट्रेंड जो होते हैं उसके लिए भी वो काफ़ी